हेलो एवरीवन, आज के प्रमुख करंट इश्यूज कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जूस मिशन। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं अर्थात गेनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन की शुरुआत की है। जूस मिशन परिचय। इसे एरियन 5 लॉन्चर के जरिए फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। यह मिशन वर्ष 2031 में बृहस्पति तक पहुंचने के लिए तैयार है। अंतरिक्षयान का निर्माण एयरबस समूह के एक प्रभाग एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया गया था। उद्देश्य। मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमाओं की सतहों का विस्तृत मानचित्रण एवं सतह के नीचे जल निकायों का विश्लेषण करके संभावित रहने योग्य वातावरण का पता लगाना, बृहस्पति की उत्पत्ति इतिहास एवं विकास को समझने का प्रयास कर इसकी एक व्यापक तस्वीर बनाना। इसका फोकस गैनीमेड पर होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह माना जाता है कि तीनों चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा में भारी मात्रा में जल उपलब्ध है जो संभावित रूप से उन्हें रहने योग्य बनाता है। जूस जीवन का पता लगाने के लिए सुसज्जित नहीं है, लेकिन यह पता लगाया जा सकता है कि क्या बृहस्पति के आसपास बर्फीले चंद्रमाओं के अंदर ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां जीवन को बनाए रखने के लिए जल, आवश्यक जैविक तत्व, ऊर्जा और स्थिरता जैसी आवश्यक स्थितियां मौजूद हों। बृहस्पति सूर्य से पांचवी लाइन में स्थित बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो संयुक्त रूप से अन्य सभी ग्रहों के दोगुने से भी अधिक बड़ा है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण को जोवियन या गैस विशालकाय ग्रह कहा जाता है। इनका वातावरण घना होता है जिसमें ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन होती है। बृहस्पति का प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से व्याप्त है। बृहस्पति लगभग हर 10 घंटे एक जोवियन दिन में एक बार घूर्णन करता है, परंतु सूर्य की एक परिक्रमा एक जोवियन वर्ष को पूरा करने में लगभग 12 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं। बृहस्पति ग्रह के चार सबसे बड़े चंद्रमाओं को इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली के नाम पर गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार उन्हें वर्ष 1610 में देखा था। इनके नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो हैं, जिसमें प्रत्येक बड़े चंद्रमा की अद्वितीय दुनिया है। वर्ष 1979 में वायेजर मिशन ने बृहस्पति के धुंधले वलय तंत्र की खोज की। बृहस्पति ग्रह पर 9 अंतरिक्षयान दौरा कर चुके हैं। इनमें से 7 ने उड़ान भरी और 2 ने गैस जायंट की परिक्रमा की। गैलीलियो प्रोब नासा को अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिसने वर्ष 1995 और 2003 के बीच ग्रह की परिक्रमा की। जूनो नासा वर्ष 2016 से ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। सेकंड, ट्रेडमार्क। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया तथा मिस इंडिया खादी फाउंडेशन द्वारा खादी ट्रेडमार्क के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। न्यायालय का मानना था कि प्रतिवादियों ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया था और धोखाधड़ी से इसका इस्तेमाल किया। एक ट्रेडमार्क धारक की सहमति के बिना अन्य द्वारा किसी उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क का उपयोग करना जो कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करता हो अथवा ट्रेडमार्क के मूल्य में कमी आने की स्थिति में ट्रेडमार्क धारक इसके उल्लंघन का मामला दायर कर सकता है। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक, शब्द, वाक्यांश, डिजाइन अथवा इन सभी का संयोजन है जिसका उपयोग किसी कंपनी की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR के तहत संरक्षित है। दूसरों द्वारा अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रेडमार्क को सरकारी एजेंसियों के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। भारत में ट्रेडमार्क गतिविधियों का संचालन व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 द्वारा होता है। अधिनियम ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है और ट्रेडमार्क के पंजीकरण की अनुमति देता है। पंजीकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक रूप से समान चिन्ह का उपयोग यदि कोई व्यक्ति करता है तो इसे ट्रेडमार्क उल्लंघन माना जाता है। इस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें नुकसान, निषेधाज्ञा और आपराधिक प्रतिबंध शामिल हैं। किसी ट्रेडमार्क की कानूनी सुरक्षा बनाए रखने हेतु पंजीकृत व्यक्ति को उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में नियमित रूप से ट्रेडमार्क का उपयोग करना चाहिए जिसके लिए ये पंजीकृत है। एक समयावधि तक ट्रेडमार्क का उपयोग न करने के परिणाम स्वरूप ट्रेडमार्क रद्द या अमान्य हो सकता है। थर्ड, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को गी टैग। मध्य प्रदेश की पारंपरिक गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन घी टैग प्रदान किया गया है। ये कला के रूप और इसे बनाने वाले कलाकारों के संरक्षण में मदद करेगी। गोंड जनजाति द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग्स प्रकृति, जानवरों एवं धार्मिक विषयों के साथ साथ उनके जीवन के तरीके को दर्शाती हैं। डिंडोरी जिला गोंड चित्रकला का मुख्य केंद्र है, हालांकि इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों तक देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM द्वारा गोंद पेंटिंग को ग्रीटिंग कार्ड, मोबाइल कवर तथा बैग कवर के माध्यम से कला को व्यापक स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। फोर्थ, सेलुलर कृषि। सेलुलर कृषि अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है जो पारंपरिक पशु कृषि का स्थायी और नैतिक विकल्प है। इसमें सीधे तौर पर पशुओं की सहायता के बजाय सेल कोशिकीय पद्धति की सहायता से पशु आधारित उत्पाद जैसे कि मांस, दुग्ध और सी फूड प्राप्त करना शामिल है। इस तकनीक में दो अलग अलग दृष्टिकोण है, अर्थात कोशिकीय कृषि और सटीक किण्वन। कोशिकीय कृषि पद्धति में कष्टरहित प्रक्रिया के माध्यम से पशुओं का सटीम सेल प्राप्त किया जाता है और फिर उन्हें बड़े कंटेनरों में पोषित किया जाता है जहां वे विकसित होते हैं। दूसरी ओर सटीक किण्वन विधि में दुग्ध और अंडे के सफेद भाग वाले प्रोटीन जैसे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए खमीर, यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इनका उत्पादन एक समान किण्वन प्रक्रिया से सीधे सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जा सकता है, जिसका उपयोग खाद्य उद्योग में कई वर्षों से एंजाइम एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता रहा है। सेलुलर कृषि काफी लाभदायक है, इसमें पारंपरिक पशु कृषि से जुड़े पर्यावरणीय और नैतिक मुद्दों को हल करने की इसकी क्षमता है। इसके लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमि, जल तथा इससे ग्रीन हाउस गैस का कम उत्सर्जन होता है और साथ ही कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इससे पशु कल्याण में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। फिफ्थ, अमेरिका फिलीपींस संयुक्त सैन्य अभ्यास। हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस ने अपने वार्षिक बालिकाइन सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं और इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरों का संयुक्त रूप से जवाब देने हेतु संबंधित सेनाओं की क्षमता में सुधार करना है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 1991 में आयोजित किया गया था। बालिकाइन का अर्थ है कंधे से कंधा मिलाना। फिलीपींस की विदेश नीति अमेरिका की ओर झुक रही है, जो उसके पिछले चीन अनुकूल रुख से दूर है। कुल मिलाकर संयुक्त सैन्य अभ्यास फिलीपींस की अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने एवं क्षेत्र में चीन की मुखरता के खिलाफ रक्षा करने के प्रयासों को दर्शाता है। सिक्स्थ, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन ME 2022। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के वर्ष 2022 के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मी के पांचवें चक्र के अनुसार पेरियार टाइगर रिजर्व PTR प्रथम स्थान पर, सतपुड़ा और बांदीपुर द्वितीय स्थान पर रहे तथा नागरहोल मी चक्र में तृतीय 92.42% स्थान पर रहा। तमिलनाडु में सभी पांचों रिजर्व अच्छी तरह से प्रबंधित हैं। देश के 51 टाइगर रिजर्व में से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व MTR क्रमशः पांचवें एवं आठवें स्थान पर हैं। इन रिजर्व्स ने अपनी रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार किया है। इन दो टाइगर रिजर्व को 12 टाइगर रिजर्व में उत्कृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व STR तथा कलिकड़ एवं मुन्नथुराई टाइगर रिजर्व KMTR ने बहुत अच्छा स्थान के रूप में स्वयं को बरकरार रखा है। हालांकि नवघोषित टाइगर रिजर्व श्रीविलीपुथुर मेघामलाई को अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की कार्यप्रणाली ने मी मूल्यांकन की नींव के रूप में कार्य किया, जो 6 मूल्यांकन घटक को संदर्भ, योजना, इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और परिणाम पर केंद्रित थी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।